प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और जैसा इस गीत में अभी हमने गाया, वो आसमान का पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रोज की रोटी देकर उन्हें तृप्त करना जानता है। आज मैं आपका ख्याल, आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय की ओर लाना चाहूंगा। और जब उस भाग को हम पढ़ेंगे, हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर एक पिता होकर किस प्रकार अपने बच्चों की रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना जानता है। निर्गमन 16 अध्याय में इसराइली लोग मिस्र देश से कूच किए हुए करीब 1 महीना और 15 दिन हो गए और वो सीन नामक जंगल में पहुंच गए। और ऐसा हुआ कि जो भोजन सामग्री जब मिस्र से वो निकले थे, जब वो लेकर चले थे, वो सब खत्म होने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। ये शायद हमारी प्रकृति को दर्शाता है, हमारे विचारों को बताता है। जब सब कुछ होता है हम खुश रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन जब चीजें नहीं होती हम परमेश्वर पर शक करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं। और जब ऐसा हो रहा था तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को कहलवाया। परमेश्वर ने मूसा को कहा, उसके 4 वचन से लेकर जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए कितना एक बहुत ही अनयूजुअल, एक कभी देखा नहीं ऐसा एक रास्ता परमेश्वर वहां पर बना रहा है। एक बड़ा अजीब सा वायदा है। आकाश से रोटी थोड़ी बरसती है, आकाश से तो पानी बरसता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर के वायदे उस हिसाब से पूरे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं, जो हमने सोचा ही नहीं है, जो हमारी बुद्धि में भी नहीं चढ़ी है, जिसका हम ख्याल कर ही नहीं सकते, जिसके बारे में कोई वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकता। परमेश्वर उस तरह से अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आकाश से रोटी का बरसना। प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को अगर आप नए नियम के मत्ती रची सुसमाचार में अगर आप देखें, वहां भी रोज की भोजन के बारे में प्रभु यीशु भी क्या कहते हैं। अगर मत्ती 6:25 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तुम इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे और क्या पहनोगे। आज इसी बात की तो चिंता है, सबको यही चिंता है, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। लेकिन यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप निर्गमन के उस भाग को पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु यीशु भी उन्हें इस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रेज द लॉर्ड। जहां तक पक्षी उड़ता है, हमारा परमेश्वर उन पक्षियों के ऊपर से रोटी बरसा सकता है। अपने बच्चों का ख्याल करने वाला प्रभु, जब मिस्र देश से उन्हें निकलने के लिए कहा, परमेश्वर ने यह नहीं कहा, मैं देखता हूं तुम्हें कनान पहुंचा दूंगा, हो सकता है तो पहुंचा दूंगा, शायद पहुंचा दूंगा, परिस्थितियां ठीक रही तो पहुंच जाओगे।
लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन उस मार्ग में जब वो निराश होने लगे, परमेश्वर का अद्भुत प्रोविजन वहां पर प्रकट होना शुरू हो गया। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आपको इसराइलियों की अवस्था समझ में आएगी। आप कल्पना कीजिए कि एक परिवार जिसमें पति और पत्नी और चार छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी कार में सामान भरकर एक लंबी यात्रा, 1000 किलोमीटर की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। कितने आनंदित होंगे बच्चे, पेरेंट्स, खाना लिया, पानी लिया, सामान, बच्चे एक्साइटेड हैं, हम खेलेंगे, कूदेंगे, नई नई जगह देखेंगे। और जब यात्रा शुरू हुई, जब आधे रास्ते तक वो पहुंचे, आप जरा हालात को सोचिएगा कि बच्चों के हाल कैसे होंगे, ड्राइवर का हाल कैसा होगा। थक गए, ऐसा लग रहा है जल्दी से यात्रा खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी, क्योंकि बैठे बैठे उकता गए हैं, अब नई चीजों में मन नहीं लग रहा, अब ऐसा लगता है कि कुछ आराम करें, रेस्ट करें, विश्राम करें। ये तो मैंने एक बार की बात बताई, आप कल्पना करो यही बात अगर 40 सालों तक चलती रहे तो कैसा होगा। इसराइलियों की अवस्था यही थी, मूसा की अवस्था यही थी। प्रेज द लॉर्ड। और आज शायद हमारी भी अवस्था यही है। और इस रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों में, जहां पर कहा जाता है फिटेस्ट सर्वाइव, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूंगा, आकाश से बरसाऊंगा। हालेलुया। जो सोचा नहीं, जो कल्पना नहीं की, परमेश्वर ने वो इसराइलियों के लिए किया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर वो परमेश्वर उस बुलाए हुए, अलग किए हुए लोगों के लिए ऐसा अद्भुत काम कर सकता है, तो सोचिए उस प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले अपनी संतानों के लिए वो क्यों नहीं करेगा। आज मेरी प्रार्थना है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर करना प्रारंभ करें। जब आप इस दिन में जब आगे बढ़ रहे हैं बड़ी आशाओं के साथ, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन सब के बीच में उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। उसका काम आप देखेंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की थी, आपने कल्पना भी नहीं की थी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ते खोले। आप शक मत कीजिए, बुड़बुड़ाइए मत, विश्वास को कम मत होने दीजिए। प्रभु का मन्ना तभी आता है जब जो हाथ में है वो खत्म होने लगता है। मन्ना जिस दिन से वो मिस्र से निकले तब से नहीं आया, लेकिन मिस्र का खाना जब खत्म होने लगा, जब खत्म हो गया, तब मन्ना ऊपर से उतरा। सब कुछ अपने पास रखकर मन्ना के लिए प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि जो सब कुछ मिला है वो भी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उसको मालूम है कि आपके पास अब नहीं है, और वो आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलकर देता है। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहन, उन सब के लिए आप स्वर्ग के झरोकों को खोलकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर। बहुत से लोग अपने रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, लेकिन आज वो संसार के संसाधनों की ओर नहीं, लेकिन आकाश के परमेश्वर को देखना प्रारंभ करें, उस पिता को देखें
जो करुणा में है और वो उनके लिए हर बातों का प्रबंध करे। धन्यवाद आप ऐसा कर रहे हैं यीशु के नाम से। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप इस वचन पर भरोसा कीजिए और आज और इस सप्ताह में आप कुछ ऐसे प्रोविजंस को देखेंगे, ऐसे बंदोबस्तों को आप देखेंगे जो आपने आज तक नहीं देखा। और मैं आप में से कुछ लोगों के लिए ये भविष्यवाणी का शब्द बोल रहा हूं, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आप उस बात की गवाही आप मुझे देंगे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके लिए ऐसा करे। हैव फेथ, विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास अद्भुत कार्यों को प्रकट करता है। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं।